एक मार्च के सुबह इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन लिमिट में केरला पटेल उड़ा में जो लेक विला सोसाइटी है वहां पे फायरिंग हुआ था और वहां पे एक रियल इस्टेट व्यापारी नवारी श्रीनिवास रेड्डी उनकी डेड बॉडी भी वहां पे मिली थी। उस फायरिंग में और एक शख्स कोमट रेड्डी राघवेंद्र रेड्डी इनको बुलेट इंजरी थी तो उनको 108 एम्बुलेंस में बीएनडीटी नगर वनस्थलीपुरम में भृंगिया हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। वहां पे 3 घंटा ट्रीटमेंट के बाद उनकी भी वहां पे डेथ हो गई। एक केस में इमीडिएटली हम लोगों ने हमारी जो पुलिस टीम है डॉग स्क्वाड है उनको भी बुलाया था, साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन टीम हमारी आईटी सेल स्पेशल ब्रांच इनको भी लोकल पुलिस के साथ में स्पेशल टीम के तौर पे हमने वहां पे बुलाया था। और उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज, उस एरिया में जिनके ऊपर शक है उन लोगों के फोन के सीडीआर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हमने पिछले 48 आवर्स में किया है और उसी का नतीजा एक केस हमने डिटेक्ट किया है। इस केस में हमें ये मालूम हुआ है कि ये जो सोसाइटी है वहां पे हाल ही में श्रीनिवास रेड्डी ने कुछ 14 एकड़ लैंड उसका बेनामी कृष्णा करके उनके नाम पे लिया था और वहां पे एग्रीकल्चर करने के लिए उसने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था जेसीपी वगैरह लाके। और वहां पे उससे पहले मत्ता रेड्डी करके मेयर रेड्डी मत्ता रेड्डी करके जिसके 8 प्लॉट्स है वो मेयर रेड्डी मत्ता रेड्डी की बात वहां पे ज्यादा चलती थी। श्रीनिवास रेड्डी वहां पे आने के बाद मत्ता रेड्डी का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस कम हो गया और मत्ता रेड्डी को श्रीनिवास रेड्डी ने 3-4 बार वहां से धमकी भी दिया कि तुम यहां से निकल जाना करके। वही दिल में रखते हुए मेयर रेड्डी मत्ता रेड्डी जिसका ओरिजिनल नाम मेयर रेड्डी अशोक रेड्डी है जो उप्पाराम विलेज निडमानूर मंडल नलगोंडा का रहने वाला है, यहाँ पे चैतन्यपुरी में इमिटेशन ज्वेलरी का वो बिजनेस करता है अपने वाइफ के साथ में। इसने अपने गेस्ट हाउस में काम करने वाला एक ख्वाजा मोइनुद्दीन के जरिए, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन का मामू रहीम करके उसके बिहार में कॉन्टेक्ट हुआ था और उन्होंने फिर कबूली जवाब देते हुए वेपन जो है एक वेपन जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन ने खुद अपना वहां पे गेस्ट हाउस में ही छुपा के रखा था वो उसके कस्टडी से हमने रिकवर किया है। दूसरा वेपन जो है ये विद्यापति के कस्टडी से वहीं पे ही जो लेक है वहां लेक के पास में पत्थरों में उसने छुपा के रखा था वो भी हमने रिकवर किया। ये 2 वेपन अभी हमको मिले, उसके साथ साथ 19 लाइव राउंड, 2 मैगजीन्स, 2 एमटी, एक बुलेट व्हीकल जो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने ये क्राइम होने के बाद फरार होने के लिए इस्तेमाल किया, एक अमेज कार जो वेपन लाने के लिए बिहार से इन लोगों ने इस्तेमाल किया वो कार भी हमने सीज किया है। ये पूरे केस में जब हमने स्टडी किया तो हमें मालूम हुआ इस केस में जो शख्स जो नवारी श्रीनिवास रेड्डी और कोमट रेड्डी राघवेंद्र रेड्डी जिनकी डेथ हुई ये दोनों के ही क्रिमिनल रिकॉर्ड से, इससे पहले राघवेंद्र रेड्डी को एक मर्डर केस में लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हुई थी और श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ भी 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। और ये जो एक्यूज है नंबर 1 जो जिस मुख्य सूत्रधार जिसने पूरा कॉन्स्पिरेसी किया प्लान किया उसके साथ साथ हमने आज अभी 5 लोगों को और अरेस्ट किया है, मारेड्डी मेरेड्डी मत्ता रेड्डी के साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन बुर्री भिक्षापति सईद रहीम समीर अली और राजू खान, ये 5 लोगों को हमने अभी हिरासत में लिया है। चंदन सिबान और सोनू ये दोनों बिहार के रहने वाले, दोनों फरार में है, उनको भी हम जरूर अरेस्ट करेंगे। इस केस में मेरेड्डी मत्ता रेड्डी का बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र इस केस में है, उसी ने ये पूरा प्लानिंग और कॉन्स्पिरेसी की है और एग्जीक्यूट करने में ख्वाजा मोइनुद्दीन और बुरी भिक्षापति ये दोनों ने जैसे सुपारी किलिंग बोलते हैं उस तरफ से इस केस में एक काम किया है, क्योंकि उन दोनों को 1100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट देने का भी इसने मत्ता रेड्डी ने वादा किया था करके वो लोगों से इन्फॉर्मेशन अभी हमको मिली है। बाकी जो मुस्लिम इस केस में हमने अरेस्ट किए हैं सैयद रहीम समीर अली राजू खान ये बिहार से वेपन लाने में इनका योगदान है, उसके लिए मेडिएटर के तौर पे वेपन प्रोक्यूरमेंट इलीगल उसमें उनको अरेस्ट किया है।
ये अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे जो टीम्स है, खासकर हमारी स्पेशल ऑपरेशन टीम, हमारे डीसीपी मुरलीधर, हमारे डीसीपी एलबी नगर के संतप्रीत सिंह, हमारे स्पेशल ब्रांच के ओएसडी महेश, आईटी सेल के हमारे इंस्पेक्टर श्रीधर रेड्डी और उनके साथ में पूरे टीम, खासकर हमारे एसओटी एलबी नगर के इंस्पेक्टर अंजी रेड्डी, मलकाजगिरी के सुधाकर और हम लोग स्पेशल ब्रांच हमारे एसबी एलबी नगर जानैया इंस्पेक्टर और सैदलू इंस्पेक्टर भुवनगिरी, आईटी सेल के हमारे श्रीधर रेड्डी के साथ में सब इंस्पेक्टर सुनील और उनके साथी, हमारे डीसीपी एलबी नगर के साथ में एसीपी इब्राहिम पट्टनम, इंस्पेक्टर इब्राहिम पट्टनम माडगुला और बाकी लोग, तो ये सब लोगों का इसमें योगदान है। मेरे साथ मेरे एडिशनल सीपी सुधीर बाबू, हम सब ने इस केस में डायरेक्ट सुपरविजन किया है और दो तीन दिन से लगातार इन्वेस्टिगेशन करने से ही एक केस जो है वो उलझाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। थैंक यू।